सर, मुंबई होर्डिंग हादसे के बाद बिलासपुर नगर निगम एक्शन मोड में है। निगम अब सभी अवैध होर्डिंग को हटाने के लिए विज्ञापन एजेंसी को नोटिस दे रही है और नोटिस का जवाब नहीं देने पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी है। आखिर अचानक कैसे एक्टिव हो गया निगम का अमला, आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मुंबई में 13 मई को आंधी तूफान के चलते होर्डिंग्स गिर गई थी, जिसमें दबकर 17 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद देश भर में अवैध होर्डिंग्स हटाने के लिए प्रशासनिक अमला एक्टिव हो गया। इसी के चलते बिलासपुर निगम ने भी कार्रवाई की। निगम ने 188 होर्डिंग स्ट्रक्चर की ही अनुमति विज्ञापन एजेंसियों को दी थी, लेकिन यह बढ़कर 488 पहुंच गई। जांच में 300 होर्डिंग स्ट्रक्चर अवैध पाया गया। अब निगम ने सभी 12 एडवर्टाइजर एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, साथ ही 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला। हमारे यहाँ जो भी एडवर्टाइजर्स हैं, प्राइवेट एडवर्टाइजर्स हैं, इनके साथ एक बैठक रखी गई थी एक सप्ताह पहले, जिसमें इनको दो चीज़ों के लिए निर्देशित किया गया था। जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ सर्टिफिकेट इनका होता है, जो कि इंजीनियर्स देते हैं, वो सारे का एक बार हमने मंगाया है, और सेकेंड इनका इंश्योरेंस का अपडेट मंगाया है। इसके अलावा जो इलीगल होर्डिंग्स है, अभी हमारा लगातार सर्वे चल रहा है, अभी तक लगभग 300 अवैध जो होर्डिंग्स है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसमें जो सबसे बड़े कुछ इलीगल होर्डिंग्स थे, स्पेशली उसलापुर ओवरब्रिज के आसपास और रायपुर रोड में, उसको हटाया गया है, और लगातार हमारी हर जोन की और निगम की टीम जो है इसमें काम कर रही है अवैध होर्डिंग्स पे कट डाउन करने के। अधिकारियों की माने तो होर्डिंग्स लगाने से पहले बिल्डिंग ओनर और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बीच एग्रीमेंट होता है। इसके बाद कोडिंग स्ट्रक्चर की भौतिक सत्यापन करने के बाद निगम होर्डिंग लगाने की अनुमति देता है, लेकिन शहर के कई चौक चौराहों पर अवैध होर्डिंग्स कैसे लग गई, यह जांच का विषय है। संदीप करिहार, INH 24/7, बिलासपुर।